कैपिटल वेरिएबल इन लॉन्ग रन जब हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात की थी तो हम यूजुअली एज्यूम करते थे कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर अगेंस्ट गिवन क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट लेकिन जब आप लॉन्ग रन में बात करते हो तो हम वहां पे कहते हैं कि आल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिर हमने एक और चीज भी ऑब्जर्व की कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन और ये डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों आ रहा है

अब अगर हम इस सारी डिस्कशन को थोड़े सिंप्लीफाइड सिनेरियो में करें हमने ऐसे कौन यूज की थी टू शो सेम लेवल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट डिफरेंट ऑफ टू इनपुट्स और हमने वहां पे एज्यूम क्या किया था कि टू इनपुट्स दैट आर वेरिएबल इनपुट्स आर लेबर एंड कैपिटल चलिए जी अगर मैं यू एज्यूम कर लूँ कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड देयर इज नो फिक्स फैक्टर प्रोडक्शन अब यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ कैपिटल इज कैप फिक्सड तो हम कहेंगे फर्म इज फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर शॉर्ट रन और मैं कैपिटल को भी वेरी कर दूं तो देन क्या होगा कि फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर लॉन्ग रन और अगर जब हम कैपिटल को फिक्स रखेंगे और सिर्फ एक मेरे पास वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन होगा देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन बोथ लेबर एंड कैपिटल आर वेरिएबल फैक्टर्स अब इसी चीज को लेबरेट करने के लिए सपोज हमने इस डायग्राम में दो आइसोकॉन्ट शो की आई क्यू वन आई क्यू टू आई क्यू वन इंडिकेट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट वाइल आई क्यू टू इंडिकेट आयर लेवल ऑफ आउटपुट अब आई क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव इज टू चूज लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट और ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमने किस तरह ऑप्टेन किया था बाई इक्वेट बाई फाइंडिंग आउट अ पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ आइसो आइसोकॉस्ट इक्वल और साथ में वो क्या थे दे आर टेंजेंट विद अदर इस डायग्राम में स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट एंड स्लोप ऑफ आइसोक्वांट जब मैं आईक्यू फर्स्ट आइसोकॉन्ट के रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास इक्वल हो रही है अगेंस्ट पॉइंट ए बाय यूजिंग ओ एल वन अमाउंट ऑफ लेबर एंड ओ के वन अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूसर इज इन इज इन अ पोजिशन टू प्रोड्यूस आई क्यू वन लेवल ऑफ आउटपुट अब अगर ऑब्जेक्टिव है फार्मर का टू प्रोड्यूस आई क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट और साथ में एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज इन कैपिटल जी किस तरह वो इस आईक्यू टू लेवल को अचीव करेगा ही कैन अचीव दिस दिसक्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट बाई चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन और ये कब होगा इन शॉर्ट रन कि इन शॉर्ट रन ही कैन चेंज ओनली अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस आई क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट एंड टू प्रोड्यूस आई क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट वेन ही कीप द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट ही नीड्स ओएल थ्री अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस टू लेवल ऑफ आउटपुट और इस केस में उसको कॉस्ट क्या बियर करना पड़ेगी हम उस कॉस्ट को डिनोट कर रहे विद आईसी थ्री कर आईसी थ्री क्या है दिस इज द दईसो कॉस्ट लाइन कि ये डिनोट कर रहा है डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट अ प्रोड्यूसर दैट अ प्रोड्यूसर कैन परचेज बाय यूजिंग एलोकेटेड अमाउंट ऑफ

वेर स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो क्वांट लेकिन यहाँ पे हम आइसो कॉस्ट को किस डिनोट करें विद आईसी टू कर और यहाँ पे वो कितने आप कह लें क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज करेगा ही विल यूज ओ एल टू अमाउंट ऑफ लेबर एंड ओके टू अमाउंट ऑफ कैपिटल के वेन कैपिटल इज अ वेरिएबल फैक्ट्री प्रोडक्शन ही कैन प्रोड्यूस आई क्यू टू लेवल ऑफ आउटपुट बाई यूजिंग लेस कॉस्ट एज कंपेर टू कॉस्ट दस्ट कैपिटल एक्ट एज अ फैक्ट्री प्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे जो आईसी टू है ये क्या इंडिकेट कर रहा है इट अगेन इट इंडिकेट्स डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट अ फार्मर कैन परचेज बाई यूजिंग एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सिस और आईसी टू क्या है इट लाइज बिलो टू आई सी थ्री आईसी टू इंडिकेट लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू दी कॉस्ट दैट वी आर डिपेक्टिंग अलॉन्ग आईसी थ्री कर फ्रेमवर्क में भी बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि वेरिएबल इनपुट्स दैन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कॉस्ट टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस आउटपुट इज लेस देन दस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेन वी एज्यूम वन फैक्टर प्रोडक्शन एज अ कॉन्स्टेंट फैक्ट्रो प्रोडक्शन अभी सारी डिस्कशन से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर लॉन्ग रन कॉस्ट टू प्रोड्यूस इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर शॉर्ट रन हाँ जी ये कम क्यों होगी लॉन्ग रन में बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन यूजेज ऑफ इनपुट